हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है कद्दू का हलवा यानी लौकी का हलवा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ज़्यादातर लोगों को कद्दू लौकी पसंद नहीं होती हैं, तो ऐसी टेस्टी रेसिपी बना देने से घर में सब इसे पसंद करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें कद्दू चाहिए। ये कद्दू मैंने अच्छे से स्किन निकाल कर ग्रेट कर लिया है, मतलब मैंने कद्दूकस कर लिया है, कद्दू को घस लिया है। ऐसे करके हमें कद्दू निकाल के इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। ये मैंने दूध लिया है और ये है चीनी, शक्कर और 2 से 3 इलायची। मैंने एक बाउल लिया है और मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें ये कद्दू डालेंगे क्योंकि हमें कद्दू को बॉईल करना है, और इसमें हम पानी डालेंगे। अब हमें इस कद्दू को बॉईल होने के लिए रख देना है। जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता हमें इसे ऐसे ही पकाना है। हम इसे 5 to 10 मिनट्स तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद इसे खोलकर एक बार चेक कर लें। एक स्टोव पर कद्दू को बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अब दूसरे स्टोव पे मैंने ये दूध रखा है। हमें ये दूध को आधे आधे होने तक इसे उबालना है। तो मैंने फ्लेम ऑफ ऑन कर दिया है और हम इसे अब उबालते हैं जब तक कि आधा नहीं हो जाता। ये देखिए दूध उबलना शुरू हो गया है, वो पकने लगा है। अब हमें इस दूध को जब तक पकाना है जब तक ये आधा हो जाए, तो हमें ऐसे ही पकाते रहना होगा और इसमें हमें ऐसे स्टिर करते रहना होगा ताकि नीचे से चिपक ना जाए। अब हम ये कद्दू को देखते हैं। चलो ये हम चेक करते हैं कि ये कद्दू हो गए हैं या नहीं। कद्दू को चेक करने के लिए हमें एक स्पून में ऐसे कद्दू लेने होंगे और ऐसे अपने फिंगर पे लेकर ऐसे करने होंगे। अगर ये कद्दू ऐसे टूट गया आसानी से तो इसका मतलब ये है कि कद्दू अच्छे से गल गया है। अगर ये ना टूटे तो समझ जाइए कि इसे और गलाना होगा। तो ये कद्दू गल गए हैं। अब मैं कद्दू का जो फ्लेम है मैं ऑफ कर देती हूँ और हम इसे साइड में रख देते हैं जब तक ये दूध पक ना जाए। ये देखिए दूध कम हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम स्टिर करेंगे और इसे और थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर और पकना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए दूध को हम जब तक इसे पकाते हैं। दूध कम हो गया है। ये देखिए हमें इतनी सी थिकनेस चाहिए दूध की। अब हम इसमें कद्दू डालेंगे। ये कद्दू है जो मैंने गला लिए थे। हमें इस कद्दू को गलाते वक्त जो पानी डाला था, अगर उसमें पानी है तो हमें वो पानी अच्छी तरीके से निकाल लेना होगा क्योंकि कद्दू में पानी बहुत होता है। इसीलिए हमें अच्छी तरीके से वो पानी को निकाल कर ही इसमें डालना होगा। मैंने इसमें से अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब मैं इस दूध में ये कद्दू को डालती हूँ।
थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। जितना अच्छा कद्दू गलेगा उतना ही टेस्टी ये हलवा बनेगा। तो चलिए ये डाल देते हैं। मैंने सारा कद्दू ये दूध में डाल दिया है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है और हम इसे में ये जो इलायची है हम ये इलायची इसमें डालेंगे और इसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए ये कद्दू और दूध पककर कम हो गया है। इसे हमें इस टाइम पर अच्छे से स्टिर करना है क्योंकि कद्दू के चिपकने के चांसेस होते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करने के बाद मैंने इसे मिक्स किया है। कलर ऐड करने के बाद में हमें ऐसा कलर आएगा। हमें ज़्यादा कलर नहीं डालना चाहिए क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर अच्छा नहीं लगता, ये लाइट कलर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कलर डाला है। अब ये पककर बिल्कुल रेडी है। देखिए सारा दूध भी ख़त्म हो गया है, अब ये सिर्फ गाजर बच गया है, वो भी बहुत अच्छा गल चुका है। अब हम इसे टू थ्री मिनट्स के लिए ऐसे ही थोड़ा सा पकाएंगे और इसे सर्व करने के लिए रखेंगे। ये कद्दू का हलवा रेडी है। अब मैं इसे गार्निश करना है बादाम से। ये देखिए कद्दू का हलवा सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी लग रहा है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सिंपल रेसिपी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगने लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को। बाय बाय।